मैंने कोई अगर कोई खास बात की ऐसी नहीं है, मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। बीते दिनों एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक बयान दिया। ये बयान वैसे तो काफी बड़ा है और इसमें काफी सारी बातें हैं, अहम बातें हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में आपको एक लाइन में बताएं तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि शरद पवार ने कांग्रेस की जेपीसी की मांग, जो कि अडानी के खिलाफ जांच के लिए कांग्रेस लगातार कर रही है, उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जेपीसी की मांग बेकार है, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए क्योंकि वहां मामला चल रहा है। तो अब इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन आया? कांग्रेस की तरफ से जैसे ही यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया, उधर कांग्रेस से सांसद जयराम रमेश ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे उनका पर्सनल कमेंट कहा और कहा कि विपक्षी एकता एकजुट है। जयराम रमेश ने कहा कि सभी 19 विपक्षी दल एकजुट है, कांग्रेस इनमें सबसे बड़ी पार्टी है और हम संविधान और लोकतंत्र को बीजेपी के हमलों से बचाने के लिए एक साथ खड़े रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी, विनाशकारी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडे को हराने में एक साथ होंगे। अब अगर बात करें शरद पवार के बयान की, तो शरद पवार ने कुछ पॉइंट्स में अगर आपको समझाए तो शरद पवार ने सबसे पहले कांग्रेस की जेपीसी की मांग को खारिज किया। उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जेपीसी में संसद जो विपक्षी दल होता है उसका चेयरमैन नहीं होता बल्कि सत्ता पक्ष का चेयरमैन होता है, जो कि जेपीसी जो कमेटी होगी उसमें सत्ता पक्ष का चेयरमैन होगा। और क्योंकि संसद में जो बहुमत है, जो संख्या बल है, वो बीजेपी की ज्यादा है, तो इसलिए इस पूरे जेपीसी की जांच का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये बीजेपी की साइड ही पूरा अगर फैसला आएगा तो उस पर बीजेपी का असर हो सकता है। और इसी पर शरद पवार ने कहा कि इसलिए जेपीसी की मांग बेकार है, इसकी जगह सुप्रीम कोर्ट पर हम भरोसा कर सकते हैं जो कि सच्चाई हमें हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र हमें ये अधिकार देता है, हम विपक्षी दलों को, कि हम खुलकर किसी मुद्दे पर बोल सके, किसी को गलत साबित कर सके, लेकिन बिना सबूत के कुछ भी कहना सही नहीं। शरद पवार ने इसके अलावा अडानी का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब वो विपक्ष में हुआ करते थे उनके टाइम पर, तो वो भी सरकार को घेरने के लिए इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को हमला करते थे, उन पर हमला करते थे। ऐसे में वो कहते हैं कि तब टाटा बिरला पर हम हमला करते थे और अब उनकी जगह अंबानी और अडानी ने ले ली है। बात बस इतनी सी है। उन्होंने इस दौरान अडानी के योगदान का भी जिक्र किया कि कैसे बिजली और इस तरीके के सेक्टर में अडानी का योगदान महत्वपूर्ण है। और इसी पर फिर आगे शरद पवार ने जेपीसी की मांग को खारिज किया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई। सबसे पहले महुआ मोइत्रा का भी बयान आया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अडानी का ही चैनल उनके दोस्त का इंटरव्यू ले रहा है और हमें बता रहा है कि अडानी सही है। इस तरीके का बयान महुआ मोइत्रा ने दिया। और इसके बाद अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया कि ये उनका पर्सनल कमेंट है। और एक बयान उनके ही गठबंधन पार्टी यानी कि जो महाराष्ट्र में शिवसेना है उसके नेता है संजय राउत, उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने भी इसे शरद पवार का पर्सनल कमेंट बताते हुए कहा कि विपक्ष एकजुट है इस मामले को लेकर। नहीं, मैं समर्थन नहीं मान रहा हूँ। जरूर शरद पवार साहब की भूमिका गौतम अडानी और उनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं आफ्टर हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उस बारे में उनकी बात कही। शरद पवार साहब ने यह कहा है कि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन जेपीसी से कोई मतलब साध्य नहीं होगा। जेपीसी का चेयरमैन बीजेपी का होता है, जेपीसी के जो मेंबर्स होते हैं कमेटी के, उसमें बहुमत बीजेपी का होता है, तो जो उनको चाहिए वही रिपोर्ट वो बना देंगे। एक पर्याय दिया है, एक विकल्प है न्यायालय जांच, ये पवार साहब का कहना है। तो ठीक है, ये ममता बनर्जी हो या तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी, अडानी के बारे में उनके अलग राय है, हो सकती है अपनी राय, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो एकजुट है विपक्ष की उसमें कोई दरार आ जाए। कोई दरार नहीं आएगी, ना महाराष्ट्र में आएगी ना राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में इस पर कौन सी राजनीति शुरू होती है। बीजेपी इसे
कांग्रेस के खिलाफ किस तरीके से इस्तेमाल करती है, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार इस वक्त अगर देखा जाए तो जेपीसी की मांग ही है। कांग्रेस लगातार अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच की मांग कर रही है। अब इसीलिए ये मुद्दा और शरद पवार का बयान अहम हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।